दोस्तों नमस्कार। आज है 2 अप्रैल सन 2024, वार मंगलवार। दोस्तों तिलहन, चाहे सरसों हो, मूंगफली हो या फिर कैस्टर सीड, पाम, सूरजमुखी, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको तिलहन, रवि तिलहन कॉन्फ्रेंस में अपना उद्बोधन के दौरान सरसों की अच्छी पैदावार के साथ साथ आवक भी धीरे धीरे बढ़ने की अप्रैल महीने में अग्रिम अपडेट दिया था, जो कि सही साबित होता देखा जा रहा है। हरियाणा की चरखी दादरी में सरसों की आवक ने सबको चकाचौंध कर दिया है। हरियाणा, गौरतलब है कि हरियाणा में MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरसों की खरीद से किसान उत्साहित होकर सरसों की फसल लगातार बाजारों में ला रहे हैं। जारी है पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आप एक विनम्र अनुरोध, हमारा ये चैनल आपके लिए है, आपके द्वारा चलाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में सरसों के भाव और मंडी में कितनी आवक है आप अवश्य लिखिए, पूरा देश इससे लाभान्वित होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लगातार अपडेट हमसे चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। आज के हम शाम के भाव आपको अपडेट कर रहे हैं, साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों रवि तिलहन सम्मेलन जो कि गुड़गांव में हुआ था, उसमें लगभग 123 लाख टन सरसों की पैदावार का अनुमान लगाया गया था और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले साल से डबल, पिछले साल लगभग 6 लाख का था, इस बार 12 लाख टन का था। कुल मिला के 135 लाख टन सरसों की टोटल स्टॉक की अनुमान लगाया गया है। जहां तक खबर ये निकल के आ रही है कि अराइवल जो है वो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच लगभग 15.50 लाख टन की बताई जा रही है। और स्टॉक विद द फार्मर के बारे में भी जो खबर निकल के आ रही है, वो फर्स्ट 1 मार्च 2024 में 120.5 लाख टन और अराइवल 31 मार्च सन 2024 तक लगभग 15.60 लाख टन बताई जा रही है। और अभी भी फार्मर्स के पास 104.90 लाख टन सरसों की उम्मीद लगाई जा रही है। जहां तक ये मैट्रिक टन के अंदर आंकड़े हैं, नाफेड और आफेड के अंदर जो है वहां पर जो क्वांटिटी है, स्टॉक लगभग 7.60 लाख टन का अनुमान लगाया जा रहा है। और जहां तक क्रशिंग की बात है कि ऑल इंडिया एस्टिमेटेड क्रशिंग जो आई है वो 1 मार्च से 31 मार्च तक जब लगभग 13 लाख टन की बताई जा रही है। साथ साथ तो दोस्तों स्टॉक जो समरी जो है वो कुल मिलाकर अभी अप्रैल के महीने में शानदार अराइवल सरसों की चारों तरफ होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य से हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा में सरकार द्वारा MSP पर सरसों की खरीदी चालू हो चुकी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चालू सीजन में सरकार ने सरसों की न्यूनतम समर्थन कीमत यानी MSP 5650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। और हरियाणा में इस प्रमुख तिलहन फसल में सरकारी खरीद चल रही है। गौरतलब है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि सरसों की नई फसल में मॉइस्चर अभी जो स्टैंडर्ड जो है यानी निर्धारित मानकों से अधिक बताया जा रहा है। लेकिन चरखी दागरी मंडी से बात कर कुछ व्यापारियों से बात करने पर पता लग रहा है कि सरकारी खरीद केंद्रों में सरसों की आवक लगभग 20 से 50 हजार बैग्स की हो रही है और एक बैग 50 किलो का माना जाना चाहिए। ये एक बड़े ऊंचे स्तर पर मानी जा रही है, और क्योंकि चरखी दागरी में इससे पहले इतनी आवक सुनने और देखने में नहीं मिली थी। गौरतलब है कि 10 से 12 दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका हमने आपको अपडेट भी दिया था चैनल पर। दक्षिण हरियाणा से भी ये भी खबर निकल के आ रही है कि वहां भी सभी उत्पादक क्षेत्रों की मंडियों में आवक में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। जहां तक भिवानी मंडी में देखें तो सरसों की करीबन 200 बोरियों की नाममात्र की आवक है, जो कि बढ़कर 2 से 2500 बोरी हो गई है।
और इसी प्रकार नानोल मंडी में भी सप्ताह के दौरान लगभग 3,000 बोरी की आवक होने के समाचार हैं, और जहां तक अंतिम सूचना के समय लगभग 5 से 6,000 बोरी होने की जानकारी भी मिल रही है। हासी मंडी में भी सरसों की करीबन 4 से 5,000 बोरी की आने की आवक बताई जा रही है। गौरतलब है कि ये अच्छी आवक का प्रमुख कारण एमएसपी पर सरकारी खरीद को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा के अंदर सरसों की कटाई पहले हुई है और इसी वजह से हरियाणा के अंदर सरसों की फसल मंडियों में लगातार पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि सरसों एक्सपेलर के में यानी सरसों तेल व सरसों के भाव में भी मजबूती देखी गई है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरसों की खरीदारी जो स्टॉक के लिए करना चाहते हैं, चाहे मिलर्स हैं चाहे स्टॉकिस्ट हैं, वो इस समय क्या सरसों की खरीदारी करनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको याद होगा साल 2023 के अंदर भी जयपुर में स्थित रवि तिलन सम्मेलन में हमने आपको 7 मार्च के आसपास जब हुआ था उस वक्त ये कहा था कि मार्च में हमें सरसों की अच्छी तेजी नजर आ रही है। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च के अंदर एक तरफा तेजी सरसों व खाद्य तेलों में देखी गई थी और फिर अप्रैल के बाद में उसमें गिरावट भी थी। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहता है कि तेजी और मंदी यानी मजबूती और गिरावट तब आती है जब आप सिस्टम से को फॉलो नहीं करते हैं। तेजी आने पर मुनाफा वसूल नहीं हो पाता है, उसमें और बड़ी तेजी की उम्मीद लगाई जाती है। भाव गिरते हैं तो उस समय गिरे हुए भाव पर और गिरने का इंतजार किया जाता है। भाव गिरने पर और गिरना और ये हमेशा दिमाग में रखना कि सबसे नीचे भाव पे हमें माल खरीदना है और सबसे ऊंचे भाव पर हमें माल बेचना है, यही व्यापारिक गलती अक्सर देखने में होती है। समय पर मुनाफा वसूल नहीं हो पाता है और समय पर माल खरीद नहीं होता है। व्यापार हमेशा एक चक्रव्यूह के समान होता है। आप एंट्री तो करते हैं, एंट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको पैसा देके माल खरीदना है। परेशानी जब होती है जब आप चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने का मतलब व्यापार के अंदर अपना माल बेच के पैसा खड़ा करना चाहते हैं। वहां पर अभिमन्यु की स्थिति हो जाती है कि जो समय पे नहीं निकल पाते उनकी स्थिति अभिमन्यु हो जैसी होती है। तो दोस्तों हमारा चैनल आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है, देश दुनिया की खबरों से लगातार आपको रूबरू कराता है, साथ साथ सारे जो आंकड़े जो और सूचनाएं आप तक प्रेषित करता है, साथ साथ समय समय पर आपको अपडेट भी देता है। लेकिन हर सूचना हर विश्लेषण हर रिसर्च आपको निशुल्क प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए आपको विशेष रिपोर्ट के लिए आपको संपर्क करना आवश्यक होता है। तिलहन दलहन मसाला कपास अनाज इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है मामूली दरों पर, आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है। दोस्तों एक और विनम्र अनुरोध, आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है और देश का नंबर वन चैनल बनाने में बहुत हमारी मदद की है और आशीर्वाद दिया है। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।